देखिए स्टूडेंट्स, लगातार यूट्यूब पर आप वीडियो देखते जा रहे हैं कि कंपार्टमेंट परीक्षा का डेट कब तक आएगा और उसका फॉर्म भरने के लिए डेट कब तक आएगा। सबसे पहले तो फॉर्म भरने का डेट आएगा, और उससे ज़्यादा परेशानी इस बात में है कि दो विषय में जो लोग फेल हैं या वे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, वे ऐसा इस नाते सोच रहे हैं और लोग ऐसा इस नाते गुमराह कर रहे हैं कि जैसे स्क्रूटनी फॉर्म में हर विषय का स्क्रूटनी का ऑप्शन आ गया, इस बार पांचों विषय का, छहों विषय का स्क्रूटनी का फॉर्म हर एक बच्चा भर सकता है, जो पास है वह भी, जो फेल है वह भी, जो कम नंबर पाया है वो भी स्क्रूटनी भर रहा है, जो ज़्यादा पाया है वो और ज़्यादा पाने की चाहत में स्क्रूटनी फॉर्म भर रहा है। एक विषय की फीस 500 रुपया, पांच विषय, छह विषय की फीस लगभग 2500, 3000। लोग पैसे नहीं देख रहे हैं कि 2500 लगेगा कि 3000 लगेगा कि 1500 लगेगा कि 1000। लोग ये देख रहे हैं कि मेरा परसेंटेज किसी तरह से बढ़ जाए। क्लियर? शायद आपके मन में भी यही होगा कि मेरा परसेंटेज बढ़ जाए या मैं इसी साल पास हो जाऊं। मैं तो दागी हो गया, मेरा रिजल्ट दागी हो गया, मैं फेलियर कहलाऊंगा, मैं बैक बेंचर कहलाऊंगा, मैं घूमने वाला या बेकार छात्र या गांव का सबसे बेकार स्टूडेंट मैं कहा जाऊंगा। ये जो मेरे ऊपर धब्बा लग रहा है, इस धब्बे को मिटाने के लिए, अपना सम्मान पुनः वापस पाने के लिए आप सभी लोग ये दिन रात पता लगा रहे हो कि एक विषय में कंपार्टमेंट, दो विषय में कंपार्टमेंट, और ये तर्क इस नाते ज्यादा है ना बच्चा, क्योंकि स्कूटनी का फॉर्म हर विषय के लिए ओपन था। तो लोग यही सोच रहे हैं शायद जब स्कूटनी का फॉर्म, ध्यान दो, जब स्क्रूटनी फॉर्म सभी विषय के लिए अवेलेबल हो गया, सभी विषय के लिए, तो इस तर्क के आधार पर आप ये भी सोच रहे हैं हो सकता है कि कंपार्टमेंट फॉर्म भी सभी विषय के लिए आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सभी विषय के लिए कंपार्टमेंट फॉर्म आ जाएगा, इसका मतलब है कि बच्चों में फेल होने का डर खत्म और वे सीरियसली नहीं पढ़ेंगे। सोचेंगे तो अरे यार, इस बार नहीं पास होंगे तो 2 महीने में फिर से कंपार्टमेंट दे के पास हो जाएंगे, पूरी साल वे घूमना शुरू कर देंगे, ये सोच कर कि अरे एक बार फेल होने से क्या, 2 महीने में फिर तो पास होने का मौका मिल ही जाएगा। तो ऐसी सोच बच्चों में डेवलप ना होने पाए, इस नाते सभी विषय का कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं होता है। क्लियर? अब रही बात आपके मन में जो सवाल है, उस सवाल का जवाब क्या होगा। रही बात आपके स्कूल में जो अध्यापक आपको बता रहे हैं, मेरे पास लगभग बहुत सारे बच्चों का फोन आता है, उसमें से कुछ स्पेशल फोन ये आता है कि सर मैं स्कूल में गया, स्कूल वाले ने सीधे मना कर दिया, ये सब कुछ नहीं होता, तुमको अगले साल पढ़ना है। कुछ बच्चे ने फोन पे बताया कि सर मैं स्कूल में गया, स्कूल वाले बोल रहे हैं कि एक विषय का स्क्रूटनी फॉर्म भर दो, एक विषय का कंपार्टमेंट आएगा तो उसका भर देना। मतलब स्कूल से ये जानकारियां आ रही हैं कि अगर कोई बालक बालिका दो विषय में फेल है तो एक विषय का वो स्क्रूटनी फॉर्म से यानी कॉपी रीचेक करवा के अपना नंबर बढ़ा ले, और एक विषय का कंपार्टमेंट परीक्षा दे करके नंबर बढ़वा ले। इस विधि से, इस तरीके से दो विषय में वो पास हो जाएगा। ये खबर मैं नहीं, ये खबर स्कूल के लोग अपने छात्रों से बता रहे हैं, और ये सभी स्कूल वाले भी नहीं बता रहे हैं, कुछ कुछ स्कूल वाले। और अगर कोई बच्चा या बच्ची गूगल सर्च करता है कि भाई यूपी बोर्ड में कंपार्टमेंट एग्जाम कितने विषय में दिया जाएगा, तो गूगल सर्च में सबसे ऊपर बहुत रेपुटेशन वाली वेबसाइटें आती हैं, समाचार पत्रों वाली वेबसाइटें आती हैं, जो ये उत्तर बताती हैं कि इस बार यूपी बोर्ड में एक से अधिक यानी दो विषय में फेल छात्र कंपार्टमेंट दे सकते हैं, और दो से अधिक विषय में फेल छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं दे सकते हैं। ये सारा सवाल आपके मन में है, मेरे मन में भी है। ऐसा नहीं कि मैं यूपी बोर्ड का सबसे करीबी हूँ,
या मैं बोर्ड के नियमों को बनाने वाले लोगों के साथ घूमता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी आप लोगों के बीच से हूँ, लेकिन हाँ, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। तो छात्रों को सिर्फ पढ़ाने का ही नहीं मतलब होता है। छात्र अगर किसी संकट में है, किसी प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम से उनको निकालने का भी काम ज़्यादातर अध्यापक ही करते हैं। उनके माता पिता से जब नहीं होता है, तो वे अध्यापक से राय लेते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन वाले टीचर से बात करते हैं। तो उसी बीच का हिस्सा मैं भी हूँ। मैं भी आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि भाई, एक विषय का स्क्रूटनी आप करवाइए, दूसरे विषय का अगर ईश्वर की कृपा हुई, दूसरे विषय का कंपार्टमेंट फॉर्म भरने लायक आपको बनाया गया, जब कंपार्टमेंट फॉर्म आएगा तो उसमें अगर आपका रोल नंबर उठाया जाएगा, यानी आपका रोल नंबर सेलेक्ट होता है, आप रोल नंबर डालेंगे, अगर आपका रोल नंबर सेलेक्ट हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप कंपार्टमेंट फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि इस बार कक्षा 12वीं के भी दो विषय में फेल छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा दे पाएंगे। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि सिर्फ एक विषय का दे पाएंगे कि दोनों विषय का, लेकिन ये सुनने में आ रहा। अच्छे अच्छे समाचार पत्रों को पढ़ा गया है, अच्छे अच्छे लोगों से बात किया गया है, सभी लोगों ने यही सांत्वना दिया है। तो इसी उम्मीद पर, इसी भरोसे पर आप भी मेरी वीडियो देखते हो, गूगल सर्च करते हो, अपने अध्यापक से पूछते हो, विद्यालय जाते हो, हर प्रयास करना बेटा, रुकना मत। तुम मेहनत करो, तुम प्रयास करो, मैं मेहनत करूँ, तुम्हारे गार्जियन मेहनत करें, तुम्हारे स्कूल वाले मेहनत करें, तो ज़रूर ऊपर वाला सुनेगा। कंपार्टमेंट एग्जाम भी होगा, स्क्रूटनी फॉर्म भी होगा, इसी साल आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बाकी 1% ऊपर वाले पे छोड़ दो, दुर्भाग्य लिखा होगा तो दुर्भाग्य ही है, अगले साल पढ़ना है, फिर से भाग्य बन ही जाएगा। लेकिन प्रयास करिए सभी लोग कि इसी साल आप पास हो जाएं। और एक बात और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ गणित विषय में फेल हैं, तो पूरी गारंटी के साथ आप इसी साल पास होंगे। और कंपार्टमेंट बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके कंपार्टमेंट बैच ज्वाइन कर लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं आपकी 1-1.5 महीने में पूरी गारंटी के साथ बढ़िया तैयारी करा दूंगा। 100 नंबर के मैथ के पेपर में से लगभग 60-70 नंबर लायक तो बना ही दूंगा, चाहे भले आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। और दूसरी चीज़, कंपार्टमेंट फॉर्म आएगा तो भरना मैं दिखा दूंगा, भरना सिखा दूंगा, उसका फॉर्मेट भरा भराया आपको दे दूंगा, देख के भर लेंगे, ठीक है। अगर स्कूल वाले आनाकानी करते, नहीं भरते, नहीं आपका सिग्नेचर करते हैं, तो कैसे बात करना, किससे बात करना है, सारा काम आपका हो जाएगा। कंपार्टमेंट बैच में जो जुड़ेगा उसको ये फैसिलिटी मैं अपने तरफ से दूंगा। एक बच्चा आएगा, दो बच्चा आएगा, मैं ये नहीं बोलूँगा यार एक बच्चे को मैं नहीं पढ़ाऊँगा, रहने दो। एक ही बच्चा आएगा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करेगा, पूरा अपना जितना भी प्रयास होगा उसके साथ मैं करूँगा। उसको इसी साल पास कराने के लिए अपना 1 घंटे की जगह पर हम 1.25 घंटे समय देंगे, लेकिन समय देंगे ज़रूर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ अभी क्लिक करके ज्वाइन कर लो। अगर 12वीं में है, गणित में फेल है, तो आपकी 100% चांस है कि आप इसी साल पास होंगे। बाकी विषय के लिए थोड़ी ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ईश्वर, इस बार कुछ ऐसा नियम आए कि सबका कल्याण हो जाए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।